अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एकदम बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल एक न्यू जगह एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और गर्मियों में चिल करने के लिए ये जगह बहुत ही परफेक्ट है। जैसा कि जून का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की भी शॉर्टेज है, अगर आपको नहाने का दिल कर रहा है बिल्कुल एकदम ठंडे पानी के साथ, तो आप लोग कहाँ पर आ सकते हो? खानपुर डैम। लेकिन डैम पर नहीं, उसकी एक नहर बह रही है। नहर पे जो है ना काफ़ी माहौल है, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, यहाँ पे खड़ा होना जो है ना बहुत मुश्किल है, रस्सी पकड़नी पड़ती है और आगे जगह जगह पे रस्सियाँ लगी होती हैं ताकि कोई ज़्यादा बह ना जाए। क्या कहेंगे जी? तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज है, यहाँ पे वैसे खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है जब तक कोई रस्सी वगैरह ना पकड़ी जाए। तो पानी भी इंतहाई ठंडा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय किया है। और साइडों पे जो है ना ये है स्लोप, यहाँ पे जो है ना पाँव स्लिप होते हैं, तो जो है जब तक आपको तैरी नहीं आती आप यहाँ पे ना हो कुछ है, अगर आते हो तो रस्सी पकड़ के खड़े रहो तो बेहतर है। गहरा भी नहीं है टोटल, यहाँ यहाँ तक पानी है जैसा कि आपने देखा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, ऐसी ही इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, पकड़ो ये रस्सी पकड़ो। पकोड़े खाने के लिए जी, स्पेशल पकोड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। खाने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। खाने में आपको जो है ना ज़्यादातर यहाँ पे चाय पकोड़ा मिल जाएगा, काफ़ी सारी यहाँ पे जो है ना चाय और पकोड़े के स्टॉल्स हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगी।